तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है ओप्पो रिनो 2F मोबाइल फ़ोन, इसके अंदर आ गया है नया अपडेट और उसी अपडेट के बारे में हम करेंगे बात। कैसा क्या है अपडेट और कितने MB का है अपडेट, क्या अपडेट आया है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम करने वाले हैं आज बात। तो चलिए हम फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आ जाना है फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग के ऑप्शन पे भी आप आ सकते हैं, ऊपर से स्लाइड करके भी आ सकते हैं, पर हम जो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ से चले आएंगे आपके फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सॉफ्टवेयर अपडेट, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन पर चले आना है और उसको कर देना है क्लिक। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है, कलर OS 11.1 एंड्रॉयड वर्जन 11 आपका जो अपडेट है, जो आपका ऑफिशियल अपडेट है वो 780 MB का है और 23/6/2012 का ये जो अपडेट आया हुआ है आप देख सकते हैं। और क्या है इस अपडेट में वो भी हम देख लेते हैं। अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं आपका जो है सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, है ना, सिक्योरिटी सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, यानी आपको नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका जो जून 2023 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचर है वो आपको मिल रहा है। बाकी सिस्टम कुछ इम्प्रूव का बोल रहा है वो देख लेंगे, पर आपको मेनली जो है सिक्योरिटी पैचर मिल रहा है, बाकी और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इस अपडेट में। तो फटाफट जो ये 780 MB का अपडेट है वो हम कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो फटाफट मैं डाउनलोड नाउ पे कर दूंगा क्लिक, पर साथ ही साथ बता दूं आपको, ये देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपका जो डेटा है वो डिलीट भी हो सकता है, इसलिए अपना डेटा वेटा सेव करके रख लीजिएगा। पर अधिकतर होता नहीं है, पर फिर भी आप चाहे तो सेव कर सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हो तो। बाकी डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करते से ही आप देख सकते हैं आपसे ऑप्शन आपको पूछा है कंटिन्यू डाउनलोड, तो मैं कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक कर दूं और आप देख सकते हैं मेरी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब फटाफट हम इसे डाउनलोड होने देते हैं, फ़ोन को रख देते हैं साइड में। हमारा जो अपडेट है वो हो चुका है कंप्लीट और अब जो है हम जो है अपडेट नाउ पे कर देंगे क्लिक और आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो बंद हो चुका है, ओप्पो रिनो 2F मोबाइल फ़ोन। थोड़ा सा करना है वेट और हमारा फ़ोन हो जाएगा ऑन। आप देख सकते हैं जो अपडेटिंग का जो चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, जो हमारा अपडेट है वो इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फ़ोन है उसकी जो प्रोसेस है वो हो चुकी है कंप्लीट। बाकी हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ चुका है ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉयड। अब देखते हैं इसको कितना का टाइम लगता है ओपन होने में। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो हो चुका है एक्टिव। रिक्वायर्ड फ़ोन का आपका जो पासवर्ड है वो मांग रहा है, मैं फटाफट पासवर्ड को डाल देता हूँ। और हमारा जो लॉक है ये ओपन हो चुका है, मैंने पासवर्ड को एंटर कर दिया है। थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद हमारा फ़ोन देख सकते हैं कैसा क्या वर्क कर रहा है। तो हमारा जो फ़ोन है कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी तो स्मूथली वर्क कर रहा है। थोड़ा सा देखेंगे, इसके अंदर चले जाएंगे सेटिंग के अंदर चले जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर चले जाते हैं। तो हमारा जो अपडेट है ये हो चुका है लगभग, देख ले, तो हमारा जो अपडेट है ये हो चुका है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे फ़ोन अबाउट सेक्शन में चले जाते हैं। अबाउट सेक्शन में अभी भी आप देख सकते हैं आपको जो है एंड्रॉयड वर्ज़न 11 ही है, यानी आपका एंड्रॉयड वर्ज़न चेंज नहीं हुआ है। तो ये ना सोचें कि भैया एंड्रॉयड वर्ज़न चेंज हो गया, 12 आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एंड्रॉयड वर्ज़न 12 पे आप शिफ्ट नहीं हुए हैं, आपका एंड्रॉयड वर्ज़न 11 ही चल रहा है। बाकी रही बात सिक्योरिटी पिक्चर यानी आपके फ़ोन की थोड़ी सुरक्षा बन गई है। बाकी स्टेबिलिटी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, मतलब बीच में अभी क्या थोड़ा थोड़ा हैंग कर रहा था, अभी तो एकदम तत्काल में तो पता चल नहीं पाएगा कि कैसा क्या चल रहा है। अगर कुछ इश्यूज़ आते तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, बाकी इसमें अभी तो कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे, बढ़िया चल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया चल रहा है। मैं ज़रा इसका सबसे मेन चीज़ जो है हमारा कैमरा और देख लेते हैं। कैमरा इसका आप देख सकते हैं बैक साइड का कैमरा, ये आपका देख सकते हैं। रियर कैमरे में भी कोई दिक्कत नहीं आई, कैमरा अभी भी वैसा का वैसा है, कोई अलग से ऑप्शंस नहीं ऐड हुए हैं। बाकी क्या होता है कभी कभी अपडेट के बाद कैमरे में दिक्कत आ जाती है, तो मेरा फ्रंट कैमरा देख सकते हैं बराबर वर्क कर रहा है। ओप्पो रिनो 2F में आपको जो है पॉपअप कैमरा मिलता है, क्या होता है कभी कभी अपडेट के बाद आपका जो पॉपअप कैमरा है वो वर्क करना बंद कर देता है। काफ़ी लोगों को मैंने कमेंट में ये इशूज़ देखे हैं, इसलिए हमने बराबर आपको पॉपअप कैमरा चेक करके बता दिया है। हमारा जो फ्रंट कैमरा है वो बराबर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी इशूज़ नहीं आए। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर कुछ और इश्यूज इसमें आते हैं तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। बाकी मुझे अपडेट के बाद तो कोई इश्यूज नहीं आए हैं, आपके पास भी अगर ओप्पो रिनो 2F मोबाइल फोन है और उसमें कुछ इश्यूज आए अपडेट के बाद तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।